हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। जो हम मार्केट से महंगी मिठाई लेके आते हैं, आज मैं आपको घर पे बहुत ही सस्ते में ये बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है, तो रक्षाबंधन पे बना सकते हो, दिवाली पे, कोई भी फेस्टिवल पे आप इसको बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। ये कम से कम इसमें 15 मिनट लग जाते हैं इसको बनाना, बिल्कुल ही आसान है इसको बनाना, तो देख लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई लिया, इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। तो ये 2 कटोरी हम नारियल का बुरादा डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप नारियल के पानी वाला जो नारियल होता है उसको मिक्सी ग्राइंड में पीस के इसका बुरादा बना सकते हो। आसानी से बन जाता है ये, लेकिन मार्केट में भी आसानी से नारियल का बुरादा मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसको हम बुरादे को अच्छे से इसको सेक लेंगे एकदम लो फ्लेम में। कम से कम 4 मिनट हमें ऐसे ही चम्मच को चलाते रहना है, इसको अच्छे से सेक लेना है। जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे इसमें एकदम ऑयल बाहर आएगा, एकदम नमी जैसा हो जाएगा ये। तो 4 मिनट हो गए हैं हम इसको पकाते हुए। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दूध। तो हमने 2 कटोरी नारियल का बुरादा लिया था, उसमें हम 1 कटोरी दूध का डाल देंगे। ये आप मेजरमेंट बहुत ही ध्यान रखना है आपको, अगर इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी आपकी ये मिठाई बनेगी। तो दूध हमें एकदम ठंडा नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल लेना है, क्योंकि ये मैंने जो दूध डाला था ये पहले गर्म कर दिया था, इसको ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाला है। तो आप इसी बात का ज़रूर ध्यान दें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ये दूध अच्छे से नारियल का बुरादा सोख ना ले दूध को। तो देखिए अच्छे से सोख लिया, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर फ्रेंड्स आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। नारियल के बुरादे से वैसे ही बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। तो देखिए मेरे पास ये मिल्क पाउडर था तो मैंने मिक्स कर दिया। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स बहुत ही मावा जैसा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मिल्क पाउडर डालने से, एकदम मावा जैसी लगती है ये मिठाई। तो आप अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट तक हमें एकदम लो फ्लेम में इसको बनाना है। तो इसमें कम से कम 11 मिनट लग जाता है पकाने में, 11-12 मिनट। तो ये देखिए मैंने ये बूरा लिया है, इसको आप खांड भी बोल सकते हो। ये मैंने 1 कटोरी बूरा लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैंने इलायची पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। इलायची पाउडर से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालें। इलायची पाउडर हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है। आप खांड की जगह चीनी भी डाल सकते हो, ये आप पे निर्भर है। और देखिए जैसे जैसे चीनी पिघल रही है, हमारी खांड पिघल रही है, वैसे वैसे ये देखिए एकदम ही सॉफ्ट सा डो बन के, डो जैसा बन गया है। ये देखिए एकदम पेस्ट अच्छा सा बन गया, बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं है। तो इसको हम और कम से कम 3-4 मिनट पका लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसको कम से कम हम 11-12 मिनट अच्छे से इसको गैस पे पका लिया है। शुरू से लेके लास्ट तक हमने इसको गैस पे चलाया है कम से कम 12 मिनट। 12 मिनट में अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसको भी हमने ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे कलर पाउडर। तो मैं इसमें पिंक कलर लूँगी, पहले इसको मैं अलग कर देती हूँ थोड़ा। मैं आपको लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा। तो इसका मैं 4 भाग कर देती हूँ, इसका एक भाग हम निकाल देंगे अलग से। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह ये मिठाई बनाई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कलरफुल मिठाई बन के रेडी हुई है ये। तो ये देखिए ये थोड़ा अलग, एक हिस्सा हमने अलग निकाल दिया, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इसको हम अलग कर देते हैं, इसमें हम कलर डालेंगे। तो मैं कलर इसमें पिंक ले रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। तो मेरे पास लिक्विड फूड कलर है, आपके पास अगर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो। ये देखिए ये मैं पिंक कलर इसमें डालूंगी, पहले चम्मच से ले लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा गिर जाएगा। तो इतना हमें ले लेना है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे।
और अच्छे से हमें चम्मच को चलाते रहना है। अगर फ्रेंड्स बाई चांस आपका कलर थोड़ा लाइट है तो आप और भी कलर डाल सकते हैं। मैं अभी मिक्स करके देखती हूँ, अगर थोड़ा लाइट कलर होगा तो इसमें मैं थोड़ा और कलर डाल दूँगी। तो देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लाइट कलर लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी फूड कलर। यह फ्रेंड्स फूड कलर एकदम नेचुरल है, इसमें खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता खाने से। तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये लड्डू, बनाते हैं हम ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर बिना कलर के भी बनाओगे तो कलर तो हम सुंदर दिखने के लिए डालते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा और ले लिया है मैंने इसको, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही इजी है, आप इसी दिवाली पे आसानी से इसको बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 15 मिनट, अगर स्लो भी बनाओगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आप इसको रेडी कर लोगे। नहीं तो मैंने इसको 15 मिनट में रेडी किया है, मैं आपको सही टाइम बता रही हूँ। तो देखिए इसको हम अलग निकाल लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आपको अगर इससे भी डार्क चाहिए तो आप ज़्यादा कलर मिला सकते हो। तो इसको भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर आया है, पिंक कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये वो ठंडा हो रहा है हम इसी की गोलियां बना लेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है। तो ये देखिए मैं सिल्वर बोल ही मिठाई में डालने के लिए ही होती हैं, तो इसको मैं 2 चम्मच के करीब ही इसमें डाल दूंगी सिल्वर बोल। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप ये कोई भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, किसी भी मार्केट में आप आसानी से ले सकते हो। और ये इसमें डाल दूंगी मैं पिस्ता बादाम। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये सिल्वर बोल नहीं है तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसकी जगह काजू बादाम भी डाल सकते हो कट करके, उसको भी अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो ये देखिए इसी सिल्वर बोल से बहुत ही अच्छा क्रिंची टाइप का टेस्ट आता है अंदर, जैसे हम खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इधर अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, और इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। तो पहले थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेते हैं, और अब छोटी छोटी इसकी बॉल के रूप में हम बना लेंगे। देखिए कितना देखने में कितना अच्छे लग रही है ये बॉल अंदर से। तो ये मिठाई के लिए आती है, ये मार्केट में आसानी से ले सकते हो। तो देखिए छोटी छोटी हम बॉल बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हम छोटी छोटी बॉल बना, इसी तरह हम सारी बॉल बना लेंगे। एक बॉल आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ, अगर सारी बॉल बनाओगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं एक बॉल आपको और बना के दिखा देती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स ये आसानी से आप बना के दिवाली पे इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए इसी टाइप हम सारी बॉल बना लेंगे छोटी छोटी, सभी का बॉल बना लेंगे इस डो का। तो ये देखिए फिर सभी हम बॉल बना लिए हैं छोटी, देखिए इस तरह हमें बॉल बना लेनी है। अभी हम चलते हैं पिंक वाले की तरफ। इस मिश्रण को ऐसे हम हाथ में लेंगे, पिंक वाले मिश्रण को, और ऐसे थोड़ा सा हाथ में ऐसे दबा देंगे, और अंगुली की सहायता से ऐसे इसको थोड़ा सा थैली में ऐसे बिठा देंगे अंदर, ये देखिए ऐसे। और अभी ये जो बॉल बनाई है हम इसमें ये इसी के ऊपर रख देंगे, और चारों तरफ से इसी मिश्रण से इसको हम ढक देंगे। ये पिंक वाला जो मिश्रण है इसी से हम ढक देंगे। तो बहुत ही आसानी से अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही आसानी से ये बॉल बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए पूरा छुप गया है वाइट वाला, और अभी हम थोड़ा सा इसको दबा के लड्डू का रूप दे देंगे। तो ये देखिए एकदम बॉल की तरह हमें एकदम गोल गोल बना लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, और ये देखिए कितनी सुंदर बॉल हमारी बन के रेडी हुई है लड्डू के टाइप, देखिए ये देखिए। अभी मैं आपको एक बॉल और बना के दिखा देती हूँ।
जैसे हम ये पिंक वाला मिश्रण लेंगे हाथ में, ये देखिए ऐसे पिंक वाला मिश्रण ले लेना है हमें हाथ में, और इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देना है, जिससे क्या होगा ये सॉफ्ट सा हो जाएगा, फटेगा नहीं। और ऐसे अंगुली से थोड़ा सा ऐसे हथेली में बिठा देना है, अंगुली से थोड़ी सी जगह बना देनी है इधर। अभी जो बॉल हमने छोटी बनाई थी वाइट वाली, ये इसमें बीच में रख देना है, और ये जो मिश्रण है दोनों हाथ से थोड़ा थोड़ा ऊपर करके हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा, जैसे हम अंगुली से थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं आसानी से ऊपर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। तो ये देखिए अच्छे से ढक गया है, और इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे। तो ये देखिए इसको दबाते हुए हमें ऐसे लड्डू जैसा बना लेना है, और बहुत ही अच्छे से लड्डू बन जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनती है, आप इसको लड्डू भी बोल सकते हो। और इस रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, कोई भी फेस्टिवल पे आप ये मिठाई बना के रेडी कर सकते हो। बहुत ही जल्दी ये मिठाई बन के रेडी हो जाती है, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जो मार्केट से हम महंगी मिठाई लेके आते हैं, और घर पे हम आसानी से सस्ते में ये मिठाई बना सकते हो। तो ऐसे ही सारे लड्डू मैं बना लेती हूँ, अगर सारा वीडियो मैं दिखाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा सारे लड्डू बनाते हुए। तो ये देखिए मैंने सभी लड्डू बना लिए हैं, अभी हम इसको सजाएंगे, कैसे डेकोरेट करेंगे मैं बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे बस हमें ये, इसलिए हम कर रहे हैं। और थोड़ा सा सिल्वर बॉल लगा देंगे साइड में, आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हो, या सिल्वर पेपर भी लगा सकते हो, चांदी वाला जो वर्क आता है वो भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ये है तो मैंने इससे ही ये डेकोरेट कर दिया है। और देखिए दिखने में मिठाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इस तरह आप गार्निश करके और रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, कोई भी फेस्टिवल बना सकते हो। जो बाहर से हम महंगी मिठाई लेके आते हैं, घर पे भी आसानी से हम बना सकते हैं। तो मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही अंदर से इसका टेक्सचर अच्छे से सेट हो गया है, जो भी हमने मिश्रण डाला था, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार लग रही है। अंदर भी हमने जो सिल्वर बॉल डाली थी वो दिख रही है। तो फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी, बनाना बहुत आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी लड्डू की रेसिपी या मिठाई आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।